हेलो एवरीवन वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल तो आज हम करेंगे साइंस के एमसीक्यू और ये रहेगा इसका पार्ट टू पार्ट वन इसका आ चुका है जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है सो लेट्स बिगिन द सेशन क्वेश्चन नंबर वन इज़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस तो आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सी पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है तो वे है आपकी अबेकस तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए तो जो आपकी अबेकस है इसको इन्वेंट किसने किया था तो वे किया था प्लेस पास्कल कब किया था इन्होंने 1642 में नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड मकैनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड पासक्लेन तो ये किसने इन्वेंट किया था तो ये था आपका मकैनिकल कैलकुलेटर तो ये किया था इन्वेंट इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी ब्लेस पास्कल इन्होंने ही इन्वेंट किया था आपका एबेक्स और इन्होंने ही इन्वेंट किया है आपका पासक्लिंग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो किसे कहा जाता है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वे कहा जाता है जॉन मेकार्तिको तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट तो कौन सी वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है ठीक है दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट तो वे है आपकी आर्टरीज तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी द आर्टरीज आर द मेजर ब्लड वेसल्स कनेक्टेड टू आर हार्ट ये हार्ट के साथ कनेक्टेड होती हैं जो एयोटा है ये मेन आर्टरी रहती है जो कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी द पल्मनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स तो जो आपकी पल्मनरी आर्टरी है ये क्या करती है ये ब्लड कैरी करती है कहाँ से राइट साइड ऑफ द हार्ट से टू दी कहाँ कहाँ लेके जाती है टू द लंग्स टू पिक अप अ फ्रेश फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन द स्मॉलर ब्रांचिज ऑफ आर्टरीज आर कॉल्ड आर्ट्रीओल्स एंड कैपलरीज और जो इसकी स्मॉलर ब्रांचेज होती हैं आर्ट्रीज की उसे हम कहते हैं आर्ट्रियोल्स एंड कैपलेरीज नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो इसमें से कौन सा है जो वाइटाइम वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेम्बर नहीं है तो वे है आपका एस्कॉर्बिक एसिड क्योंकि ये है आपका वाइटामिन सी का नाम ठीक है और ये सारे आते हैं आपके वाइटामिन बी में जैसे कि ये देखिए वाइटामिन सी को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड और ये है आपका वाटर सोलेबल वाइटामिन तो दो वाइटामिन हैं जो वाटर सोलेबल हैं वो कौन कौन से हैं वाइटामिन बी एंड वाइटामिन सी उसके बाद अगर हम विटामिन बी की बात करें तो ये आपका रहेगा इसमें आ गया थायामिन ये रहेगा विटामिन बी वन राइबोफ्लेबिन वाइटामिन बी टू न्यासिन वाइटामिन बी थ्री पेंथोथेनिक विटामिन बी फाइव पायरोडॉक्सिन वाइटामिन बे सिक्स और जो आपके ये को ये आपका फॉलिक एसिड ये आपका कोबाल्ट वाला ये सारे आते हैं विटामिन बी ट्वेल्व में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंजाई आर प्लांट्स दैट लैक तो जो फंजाई हैं इनके अंदर किस चीज़ की कमी होती है तो इनके अंदर आपको क्लोरोफिल देखने को नहीं मिलता ठीक है क्योंकि ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इज वट मेक्स अ रेप्टाइल अ रेप्टाइल तो इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो रेप्टाइल का है तो वे है ये है ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल हैं ये आपके एयर ब्रीदिंग कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स दैट हैव स्केली बॉडीज रादर देन हेयर और फैदर तो इनकी जो बॉडी होती है वे कैसी होती है स्केली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड वैसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायामीटर तो कौन सा ब्लड वैसल है जिसका डायामीटर स्मॉलेस्ट है तो वे हैं आपकी कैपलरीज तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए तो ये देखिए ब्लड कैपलरीज आर द वेसल्स दैट हैव है डायमीटर दे आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी तो कितना डायमीटर होता है इनका अबाउट थ्री टू फोर माइक्रोमीटर्स क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर एयरबोन डिजीज तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सी आपकी वायु जनित रोग है तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए तो अगर हम एयर एयरबोन डिजीज की बात करें तो इसमें क्या रहता है ये जो डिजीज़ होती है इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेन द पैथोजेन ट्रेवल थ्रू द एयर मेनली वाया एयर ड्रॉपलेट्स इज नोन एज एयरबोर्न डिजीज तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है थ्रू एयर ठीक है तो उसे हम कहते हैं एयरबोर्न डिजीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ येलो डस्ट अपीयर्स ऑन द फिंगर्स वेन एवर वी टच द मिडल ऑफ फ्लार दिस टीनी येलो ग्रेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट प्रेसियस सब्सटांसिस इन नेचर बिकॉज दे कंटेन द सीक्रेट ऑफ प्लांट लाइफ वट इज दिस टस्ट कॉल्ड तो इस टस्ट को हम क्या कहते हैं तो इसे हम कहते हैं पोलन तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए और जो आपके ये पोलन ग्रेन्स हैं ये हेल्प करते हैं इन प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स एंड फ्लार्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसिस द फ्लूड नोन एज बाइल तो कौन सा ऑर्गन है बॉडी का जो प्रोड्यूस करता है बाइल को तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए लीवर बाइल इज़ ए फ्लूड दैट इज़ मेड एंड रिलीज्ड बाय तो इसे रिलीज़ करता है लीवर और स्टोर कहाँ होता है बाइल गॉल ब्लैडर में और पेपर में ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो बाइल है ये स्टोर कहाँ होता है रिलीज़ होता है लीवर से लेकिन स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और जो बाइल है ये हेल्प करता है डाइजेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज अ स्टेयोराइड तो इसमें से कौन सा हार्मोन है जो स्टेयराइड है तो वे है आपका एस्ट्रोजन तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लीवर तो आपने बताना है इसमें से लीवर कौन सा काम नहीं करता रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर करता है इंजाइम एक्टिवेशन यही होती है डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ होती है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं होती तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी बेसिकली लीवर है ये बहुत से काम करता है इसमें से एक ये करता है ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है कन्वर्जन एंड स्टोरेज ऑफ जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है उसे कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड और इसे हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट्स तो इसमें से बताना है कि लिम्फोसाइट के कौन से फंक्शन हैं तो आपके पास पहला है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस एंटीजेंस प्रोड्यूस वाइट ब्लड सेल्स तो इसमें से कौन कौन सा काम करता है ये तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री तो बेसिकली जो लिम्फोसाइट्स हैं ये होते हैं आपके टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो कि देखने को मिलेंगे आपको ब्लड में एंड लेंथ ऑफ आर बॉडी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अडाप्टि और एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो ये क्या करते हैं हेल्प करते हैं किसमें इम्यूनिटी में और इनकी अगर फर्दर क्लासिफिकेशन की जाती है आगे तो ये होते हैं जैसे आपके बी टाइप हो गए टी टाइप हो गए तो ये इनकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फॉर्म द केमिकल कंपाउंड आर डी एक्स इज़ यूज तो इसे हम यूज़ करते हैं एज एन एक्सप्लोसिव तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बायो केमिकल कम्पाउंडस आर यूज एज तो जो बायो केमिकल कम्पाउंड है उन्हें यूज़ किया जाता है स्किन ट्रीटमेंट के लिए भी फूड प्रिजर्वेटिवस के लिए कुकिंग ऑयल के लिए तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी तो देखिए जो बायोकेमिकल कंपाउंड है इट इज़ एनी कंपाउंड दैट कंटेन्स तो इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको कार्बन एंड इज फाउंड इन लिविंग थिंग्स इट इज़ इन्वॉल्व इन एवरी प्रोसेस ऑफ लाइफ दैट इज ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी डाइजेशन ऑफ फूड रेस्पिरीशन एटसेट्रा बायोकेमिकल कंपाउंडस आर यूज इन स्किन ट्रीटमेंट फूड प्रिजर्वेटिव एंड कुकिंग ऑयल्स तो इसका सब में यूज़ किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजेंट्स डिटर्जेंट इज डिफाइंड एज तो डिटर्जेंट को हम क्या कहेंगे अ लिक्विड सरफेक्टेंट तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए तो बेसिकली जो सर्फेक्टेंट्स हैं ये क्या रहते हैं ये कंपाउंड्स हैं जो लो डैट लोअर सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन किसके बीच में लो करते हैं बिटवीन टू लिक्विड्स बिटवीन अ गैस एंड अ लिक्विड और बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नोट द फॉर्म ऑफ बायोसाइड तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा बायोसाइड का फॉर्म नहीं है तो वे है ब्लीच तो बेसिकली जो बायोसाइट्स हैं ये आपके सिंथेटिक भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं बायोसाइट्स वे कंपाउंड हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं एज एंटी माइक्रोबियल एंटी फाउलिंग डिसइनफेक्टिंग एजेंट्स और इन्हें हम एज ए पेस्टिसाइड भी यूज़ करते हैं बायोसाइट का यूज़ किया जाता है मेडिसिन में एग्रीकल्चर में फोरेस्ट्री इंडस्ट्री एंटी फाउलिंग एजेंट एंड डिस में नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचुरल रबर इज़ अ विच इज़ हैविंग हाई इलास्टिसिटी तो क्या है तो ये है आपका इलास्टोमर तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रबर इज अ नेचुरल पॉलीमर एंड पोजेस इलास्टिक प्रॉपर्टीज इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इलास्टोमर एंड हैज़ अ वेराइटी ऑफ यूजेज इट इज मैनुफैक्चर्ड फ्रॉम तो इसे कहाँ से मैनुफैक्चर किया जाता है रबर लेटेक्स से विच इज़ अ कोलाइडल डिस्पर्जन ऑफ रबर इन वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिल यू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी सैम्पल ऑफ रबर रबर को मिक्स किया जाता है सल्फर एंड लिथार्ज के साथ तो उसे कहते हैं हम वल्के वल्केनाइजेशन ये एक तरह का केमिकल प्रोसेस है जिसमें रबर को हीट किया जाता है सल्फर के साथ वल्कनाइजेशन इज़ ए केमिकल प्रोसेस बाई विच द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक रबर आर improved. तो इसमें क्या होता है कि जो रबर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें क्या किया जाता है इम्प्रूव किया जाता है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म वल्कनाइजेशन इज़ ब्रॉड अबाउट बाई हीटिंग तो बेसिकली इन्होंने इसमें वल्कनाइजेशन के बारे में बताया है तो वल्कनाइजेशन में क्या रहता है रबर को हीट किया जाता है सल्फ़र के साथ तो आपको बस इतना ही याद रखना है विच ऑफ़ द फॉलिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो एलिमेंट नहीं है तो वे है गैस इज तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल द मटेरियल्स वी सी इन आर डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ मैटर मैटर को क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट स्टेट सच एज सॉलिड लिक्विड एंड गैस ऑन द बेस ऑफ इंटर मोलिकुलर फोर्सेज एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स तो इनके बेसिस पे मैटर को क्लासीफाई किया गया है एज ए सॉलिड लिक्विड और गैस लेकिन जो गैस है इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर देअर फोर इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल तो सबसे हैविएस्ट मेटल है आपका ऑस्मियम तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन सॉल्वेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम तो कहाँ से डिराइव किए जाते हैं तो ये डिराइव किए जाते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज से नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईटिंग टोबैको एंड थ्रोइंग ऑन द रोड कैन प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ पल्यूशन तो कौन सा होता है तो वे रहता है आपका सॉइल पल्यूटेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ग्रीन हाउस गैस तो इसमें से आपने ये बताना है कि कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो वे है कार्बन मोनाक्साइड तो जो कार्बन मोनाक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड अदर ग्रीन हाउस कैसेज आर मिथेन मिथेन को हम करते हैं सी एच फोर लिखते हैं वाटर वेपर निट्रस ऑक्साइड सी एफ एंड ओजोन तो ये सारी हैं आपकी ग्रीन हाउस कैसेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ फोटो कैमिकल स्मोक दैट अकर इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा फोटो कैमिकल स्मोक का कंपोनेंट नहीं है तो इसमें से कौन सा नहीं है तो वे है आपका एसओ थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज़ यूज फॉर रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ तो बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं तो वे है स्टेलाइजेशन की जाती है तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी स्टेलाइजेशन में क्या रहता है इट इज़ ए प्रोसेस जो ख़त्म करता है और डीएक्टिवेट करता है ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ जैसे कि आपके हो जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई बैक्टीरिया स्पोर्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइज ऑर्गन सच एज प्लास्मोडियम एट्सेट्रा एंड अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स और ये सारे हैं इनको ये क्या करता है रिमूव करता है स्टेरलाइजेशन प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस तो कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं ई बी टी ई बी टी की फुल फॉर्म क्या है तो वे है एरियोक्रोम ब्लैक टी तो ये है आपका ई बी टी इट इज़ ए इंडिकेटर जिसे हम यूज़ करते हैं इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ठीक है और ये देखने में कैसा है इट अपीयर्स एज अ डार्क रेड और ब्लैक पाउडर इट इज़ ब्लू इन कलर व्हेन इट इज़ डी प्रोटोनेटेड फॉर्म इट इज़ इन डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में ये रहेगा ब्लू कलर में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ए एस एल वी तो ए एस एल वी की फुलफॉर्म क्या है तो वे है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फ्यूल इज़ यूज बाय जी एस एल वी इन इट्स ऑपरेशन तो कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं तो ये करते हैं सॉलिड इन द फर्स्ट स्टेज एंड लिक्विड इन द सेकेंड स्टेज तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी जी एस एल वी यूज क्रायोजेनिक इंजन विच मेक्स यूज ऑफ लिक्विफाइड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एज अ फ्यूल तो बेसिकली जी में हम यूज़ करते हैं क्रायोजेनिक इंजन जिसके अंदर डलता है आपका लिक्विफाइड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एज फ्यूल जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वॉज डेवलप्ड विद दी हेल्प ऑफ रशियन क्रायोजेनिक इंजन तो जो आपकी जी एस एल वी है इसे डेवलप किया गया है किसकी हेल्प से रशियन क्रायोजेनिक इंजन की हेल्प से बात करें अगर हम जी एस एल वी की तो ये है आपकी स्पेस लॉन्च व्हीकल यूज़ टू लॉन्च और प्लेस सैटेलाइट इनटू टू जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट तो जब हमने जी टी ओ में सैटेलाइट भेजनी होती है तो हम जी एस एल वी का हम यूज़ करते हैं और इट वॉज़ डिजाइन डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाई इसरो इसको किसके द्वारा बनाया गया है तो इसरो के द्वारा बनाया गया है इसरो की बात करें तो उसके फाउंडर हैं विक्रम सारा और इसकी फॉर्मेशन हुई है फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन में तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है इसरो कब बना है तो ये बना है फिफ्टीन अगस्त 1969 में तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी हेडक्वाटर बात करें इसरो के हेड क्वार्टर कहाँ पे हैं तो वे हैं बेंगलुरु और बेंगलुरु किसकी कैपिटल है कर्नाटका की आई की बात करें तो ये क्या है तो ये है नेविगेशन सैटेलाइट आई की फुल फॉर्म क्या है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम द आई आर एन एस एस कॉन्स्टिलेशन वॉज नेम्ड नैविक जिसकी फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन तो इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है पेपर में और नेविक प्रोवाइड करता है हमें दो सर्विसेज एक है एस पी एस दैट इज़ स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस और एक है आपकी आर एस दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड सर्विस विच ईयर मैन फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून तो कौन से ईयर में सबसे पहले इंसान गया था मून में तो वे कौन सा ईयर था तो वे था 1969. ऑन जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन द मून इन स्पेस द स्काई लुक्स टू एन एस्ट्रोनॉट तो स्पेस के अंदर जो एस्ट्रोनॉट हैं उन्हें स्काई कैसा दिखता है तो वे दिखता है ब्लैक तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी तो ये ब्लैक क्यों दिखता है क्योंकि स्काई के अंदर आपको स्काई अपीयर्स ब्लैक टू एन एस्ट्रोनॉट बिकॉज़ वहाँ आपको कोई भी एटमॉस्फेयर देखने को नहीं मिलता तो इसलिए वह ब्लैक दिखता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ रेड प्लैनिट तो किसे कहते हैं रेड प्लैनेट? तो वे कहते हैं मार्स को और मार्स को रेड प्लानट क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सॉइल ऑक्सीड सोइलऑक् आयरन मिनरल्स इन द मार्टिन सॉइल ऑक्सीडाइज और रस्ट कॉजिंग द सॉइल एंड एटमोसफेयर टू लुक रेड तो यहाँ पे आपको ना आयरन दिखने को मिलेगा ठीक है आयरन ऑक्साइड कहाँ पे मार्स में नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ रिवोल्वस राउंड द सन इन तो ये करता है एक साल पूरा लगाता है तो ये रहेगा थ्री सिक्सटी फाइव डेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द वायरलेस टेलीग्राफी रेडियो एंड वायरलेस मैसेज तो कौन तो ये है जे मार्कनी तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है तो ये हैं जे जे थॉम्सन और ये तीनों पता होने चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए हैं जे जे थॉम्पसन ने प्रोटोन किए हैं रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन किए हैं चैडविक ने तो ये आपको तीनों के तीनों नाम अच्छे से याद होने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन फिजिक्स इज एसोसिएटेड विद द साइंटिस्ट न्यूटन तो कौन सी है इनकी तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशन ये सारे हैं तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट फर्मी इन फिजिक्स तो इनका कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है तो इनका रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो ये है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए लास्ट क्वेश्चन है ये आज का व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई SI यूनिट क्या है तो वे है कोलम तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी कुछ और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे वोल्टेज का मेजरिंग यूनिट है वोल्ट रेजिस्टेंस का है ओम कैपेसिटेंस का है फेराट चार्ज Char का है कूलम, इंडक्टेंस का है हैनरी पावर का है वॉट्स एम्पिडेंस का है ओम फ्रिक्वेंसी का है हर्ट्स एंड कंडक्टेंस का है साइमन तो ये पेपर में पूछे जाते हैं सो so, आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन